ਐਡ ਡਗੇੜ ਪਾਡਲ ਰਜੂਲ ਫਿਰ ਪਚੋਲੀ ਰਜੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮੰਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੈਲਪੁਰ ਬੁਰਾ ਸਾਥੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਡੇਲੀ 1000 ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਡੇਲੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ फिर पीना और तला का पानी पी जा दे बरखा का पानी पी जा दे ते जनाब अंदर बैठे दे कलोरी गेदा हा मैं उत्थे चिड़ी चिड़ी किथर उत्थे बड़ी प्रॉब्लम पर उत्थे गेदा हा उत्थे 30 पाइपां पेदियां भी आईयां ओहदे ते कोई 50 पाइपां लगदियां ते साडे कोल इक पाइप भी नहीं है की पाइप देखो और दूसरा जेड़े देखो देखो जेड़े रोड़ी दियां जेड़ियां डैमेज होए दियां या जेड़ियां रिस्टोर करने दी लोड़ है उत्थे भी नहीं होता है कुछ कम कोई कम नहीं होता उत्थे भी मैं परसों भी आख्या 10 दिन पहले भी उन्हें आख्या कि जेड़े पाइपां हुण डैमेज होई जान इन्हें ते रिस्टोर करो क्योंकि पानी लोकें नहीं मिला है वो कहे साडे कोल पैसा है कोई नहीं है बड़ी हैरानगी दी गल है कि अगर है गै किश नहीं तुहाडे कोल ते फिर तुसीं किहदे आस्ते ये चलाए करते हो दफ्तर किहदे आस्ते है तनखाह तो टाइमें दी मिली जी सारे अफसरें लोगों की पानी मिला दा नहीं है दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट तुस नहीं पुछो जरा पुछो जरा नहीं पुछो जरा अगे गल की है लिफ्ट करना पानी पानी कुछ सुटना ब्योन 4 किलोमीटर पाइप इन्हें नापी नापी कुदरे पाइप रोड 4 किलोमीटर पाइप लई इन्हें शार्ट कट लाई उड़ी कुदरे 2 किलोमीटर शार्ट कट पहाड़े दा प्रचारी है और पानी जितों लिफ्ट करना उसे पानी भी नहीं है तो फिर 5 करोड़ रुपया तुसे कुछ पीर को वेस्ट कीता ठीक मतलब कम हो गया एग्जीक्यूटिव जनाब तुम्हें मौके दा ਲਿਖੋ ਪਰਮੰਡਲ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣ ਲਹਾਂ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਰਾਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਬੈਲ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਪਰਮੰਡਲ ਟੂ ਦਿਉਣ ਦਿਉਣ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਇਹਨੇ
टैंक बनाए दा और एक टैंक जेड़ा बनाए दा वो सर 1 करोड़ रुपए दा वो थल्ले सारा के बगी दा टोटल बगी दा उते पानी भी नहीं चढ़दा। नंबर एक दूसरा नंबर जेड़ा दियोन पानी सुट रहा हां उते पानी के सुट रहा उते डगवेल दा विच पानी के नहीं आ हुण बरसात दा विच थोड़ा पानी किटा ते पाइपां कर उड़ी दिया। त्रीआ नंबर जिथे पानी अगे डगेड़ जाना पलैर जाना उते पाइप के कोई नहीं लभदी। इन्नी लोटी पे दी है पीएचई दे विच जिहड़ी असीं जिंदगी दे विच पहले बारी दिखी है इस गवर्नर रूल दे विच। इहदा मतलब यह है कि अफसरशाही जिहड़ी है उन्हें पता डेमो किथे लोकतंत्र है नहीं लुटी लो जिन्ना लुटना लोकें की क्यों लुटा दे। ये लिख लिया वो भी नोट कर लिया जिहड़ा आया मैं लगा एक इंदा नोट कर लिया। हां बिल्कुल विक्रमंडल वादा चनैनी चनैनी वाला और सर चंपैड़ी 1000 बंदा सर अस आवा रहे तुस बनाओ प्रोग्राम दोबारा से चंपैड़ी एदा खराब करना सेट कर देना द्रंथल चिड़ी चिड़ी किथर चंपैड़ी वही है बरमीन अपर बरमीन सुलगार 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 अड़त्रयान सरसू किन्ने दसा मैं होना इन्ने कर लो भी अगली बारी और सर स्कूलें च जेड़ा है ना स्कूलें च जेड़ी स्कीम है तुहाडी 2 साल पहले अमित शाह और बयान बड़ा बड़ा दिता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों में पीने का पानी दे दिया गया है। मैं तुसी व्हाट्सएप करना हूँ ये 14-15 स्कूल जिथे अस गए और जिथे लोगों सुनाया गया नलका के नहीं लगे है मैं तो उन्हें लिस्ट भेजना है व्हाट्सएप ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਰਕਾਰ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੰਕਟ ਪੇ ਦੇਣਾ ਐਡ ਬੈਂਪ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਪੰਪ ਡਿਫੰਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਪੰਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਥੋੜੇ ਆਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਲਿਖੋ ਡਿਫੰਕਟ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਸਰਕਾਰ ਮੀਨ ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਮੱਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਮੱਲੇ ਸਰ 1000 ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖੋਲਣ ਕੇ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਮੱਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮੀਨ ਚਾੜਕਾਂ ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਮੱਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਮੀਨ ਦਸਾਲ ਛੱਪੜੀ ਮਕੋੜੀਆਂ बाकी आले भी एक बनाई लाओ लिस्ट जिस दिन से दोबारा आना ना बंदे ले ही है ग्रामीण क्षेत्र के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे शहरी लोग भी और सबसे बड़ी बात मंदिर जो आस्था का केंद्र है वहाँ पर भी पानी नहीं मिल रहा तो कमियां कहाँ पर है। मोहमाया मंदिर से लगातार हमें 2 दिन से कॉल आ रहा है कि पानी नहीं आ रहा कम से कम पानी का टैंक ही भिजवा दीजिए। चीफ इंजीनियर ऑफिस में हमारा कोई फोन पिक नहीं करता तो खुद बताइए जनता कहाँ जाए सर। वो तो सिस्टम टैंकर का तो सिटी में तो एटलीस्ट हर जगह है लेकिन वही तो आप कर रहे हैं जितना पैसा बटीजन है तो डिपार्टमेंट बता दी उसी का मंदिर में अगर पानी पैसा दो पैसा पैसा फेंको तो मैं यहां देखो सुंबली ए बात है परमंडल के अंदर सुंबली 6 साल के 6 साल हो गए वहां पे पाइप नहीं दे पाया आपका डिपार्टमेंट कहते हमारे पास फंड्स ही नहीं। हां सुंबली लिखो आप है ही नहीं सर ये तो आप फिर आए बात सुन रहे हैं टैंकर से बाहर परमिशन है पहले जो दिन में दिहाड़ी लगाते हैं टैंकर के लिए पानी डालने के तुझे 1 महीना हो आए थे लेकिन दुरुस्त करो ताकि लोगों का विश्वास थोड़े पे बहाल हो सर बदनाम हो चुके था थोड़ा डिपार्टमेंट बहुत बहुत बुरी चलो ये हम तो सुन आए हो 2-3 महीने गए 2 महीने हो थोड़े 1 महीना आया क्योंकि जनता को आपसे अपेक्षा है नहीं करे करेंगे मैं तो कंडीशन बड़ी बैड है अच्छा हैंड पंप्स जेड़े रिस्टोर करने वाले हैं ये लिखो रेस्टोरेशन ऑफ डिफंक्ट हैंड पंप्स इन पंचायत चुलियार चनैनी वाले हाँ रेस्टोरेशन ऑफ डिफंक्ट हैंड पंप्स इन चुलियार पंचायत CHULYAR 4 पंप्स इत्थे लगे दे इस लाइन च किट्ठे गए 4 डिफंक्ट अच्छा इस पंचायत च पानी खोलने वास्ते लोगों किराए उपर बंदे रखे दे चुलियार च गए
जिथे जिथे कोई नलके थोड़े बहुत है ना, वैसे तो पानी है नहीं, ये भी पाई लिया चुलेहार का भी, ये उपर भी जो लिखा है ना मैं तुम्हें चुलेहार, पानी की बहुत क्राइसिस है। अगर कोई 20% घर है तो उत्थे अपना पैसे दिते मुलाजमें गी, अपना मुलाजम रखे पानी खोल लिया क्योंकि है कोई नहीं। इस तरीके कन्नै कटवालत भी है कि जिथे अपना मुलाजम लोग रखे दा पानी खोलने वास्ते। अपना नंबर दे दियो सर व्हाट्सएप वाला 9491 88937 88937 88937। अच्छा मेरे को ले आ थोड़ा बाकी आज कोई तोड़े ने पर्सनली कोई ना सानू की परसानू की दुकान में सारे लोग आए थे सारे सी जम्मू सारे लोग उतरे आए थे ना सारे लोग परेशान है ये चक्कर है कोई पूरी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा है नहीं नहीं मैं है ना लोग कंसर्नड लोग हैं जो एक्चुअली निकल नहीं पाया मैं आंगा ने बैठ गई है मानसून है रोड पर ग्राउंड लोग काम और देखो लोग के आते हैं रोड पर जितने ना मैं आपको भी खिलाए मैं इंजन से ना उसने कहा नहीं कि लोग हैं जिधर बाहर बर्तन सारे रखे थे पांडे बाहर रखे थे उन्हें बर्खे ग्राउंड दिस इज अ रियलिटी ये कोई फिक्शन नहीं है। एक सुझाशन है मेरी सर जिन्ने तोड़े ओएचटी हैं ना जिन्ने तोड़े वाटर टैंक जेड़े हैं ना दुए सारे च एलम पाओ की क्योंकि सारे सारे बरसात अभी तो सारे कीड़े आवा देना पानी विच पाइपां लीक ना और उहदे च फटकरी पाओ ताकि पीने वाला पानी जेड़ा लोकां दे घरे साफ आवे पहले पानी के आओगे तो फड़कड़ी की बांग ना छड़ी फड़कड़ी करने सारे इशू सेगमेंट पर है कि डिहाइड्रेशन सीरियस इशू सर बहुत ज्यादा और पिछले चार साल से लोगों को गुमराह किया जा रहा है लेकिन जल जीवन मिशन आज की तारीख में टिक रही नहीं है और इतना लंबा इंतजार करने के बाद भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को बारिश में अपने बर्तन घर के बाहर रखने पड़ते हैं ताकि वो बारिश के पानी से भर जाए और वो उनको बाद में पिए। तालाब का जी सर क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर आपके पास डेपुटेशन आया था हर एजेंसी और साथ में उनके समर्थक पानी की समस्या को लेकर जिन जिन एरिया के नाम किस तरह से आप जल्द से जल्द इस पर देखिए जो दो एरिया स्पेसिफिक उन्होंने जिस पर डिस्कस किया वो एक चिनैनी था और एक परमंडल वाला ब्लॉक तो मैंने नोट कर ली है इनके पंचायत में चिनैनी की नोट कर ली है कुछ हैंडपम्प्स का इशू है डिफंक्स का वो भी सैंपल चेक करवा देते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये चिनैनी वाला एरिया या मैं भी एक जल्दी एक चक्कर लगाऊंगा यहाँ से और अभी इसके बाद मैं अपने जो हमारे अफसरान उधर हैं एक्शन है उनसे भी उनकी फीडबैक भी लेता हूँ तो इस पर काम करेंगे जो भी कमी पेशी है अगर चेक करते हैं उसमें मेरे एंड पे क्या है या किसी स्टाफ के एंड पे क्या है अगर कोई अगर कोई चीज़ हमारे से मेरे अख्तियार से बाहर है तो वो बहुत सरकार से टेकअप करेंगे लेकिन जो हमारे मध्य है हमारे में कॉन्फिडेंस में वो कोशिश करेंगे इसी के लिए हम इधर हैं हमारा फर्ज है ड्यूटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे हम पूरा खरा उतरेंगे और लोगों को पूरा पानी देंगे। कारण क्या है दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं प्रोटेस्ट भी लोग कर रहे हैं पानी की कमी कहाँ पे आ रही है। देखो इसी सारे कमी पेशी को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन स्टार्ट किया उसमें थोड़ा सा ये कागज मैंने अपने सामने रखा होता है रोज के रोज का इसको 24 घंटे मतलब सुबह उठते भी यही याद आता है कि कहाँ कमी आज क्या करना है इसमें कुछ जगहों पे काम शुरू भी हो गया है इसके वो हम डेली रिव्यू करते रहते हैं टेंडर कहाँ पे हुए अलॉटमेंट कहाँ पे हो गई काम कहाँ पे शुरू हुआ फिर उसके कम्प्लीशन में आएंगे तो उसमें जैसे पहले कहीं पानी चलता भी था तो 20 लीटर पानी पहुँच रहा समझ लीजिए ये 55 लीटर के हिसाब से जल जीवन मिशन मिलना है तो वो हम सारे पूरे इंडिया में काम चल रहे हैं इधर भी चल रहे हैं तो स्टार्ट हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ कौन से ब्लॉक में हमारा थोड़ा पीछे है उस पर फास्ट ट्रैक करेंगे। एक तो पानी की सप्लाई कम मिल रही है क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि डेली वेजर लगातार पिछले एक महीने से ज्यादा काम शोर हड़ताल उसमें कई जगह पे ये भी वजह हो सकती है
उसमें हम कंपनसेट करते हैं, जैसे जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं या इस, ये सारे भी स्ट्राइक पे नहीं, सारे डेली वेजेस भी स्ट्राइक पे नहीं है। तो अब मैं जो स्टेशन जम्मू के आसपास वाले भी गया, कहीं भी हमारे परमानेंट स्टाफ है अगर 6 लोग हैं, नॉर्मल ड्यूटी अगर उनकी 8 घंटे बनती है वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है उन्हीं से काम करवा रहे हैं, कहीं पर कमी हो भी सकती है, इसको मैं डिनाई नहीं करता कि 100% हमें इस स्ट्राइक से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क तो